الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. आज 1429 सने हिजरी की 22वीं ذی قعدۃ الاحرام है, जबकि नवंबर 2008 की 20 तारीख है, बल्कि 21 शुरू हो गई होगी. दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना तखस्सुस फिल फिक्ह की तालीम हासिल करने वाले इस्लामी भाइयों और दौर हदीस के तालिब इल्मों का खुसूसी मदनी मुजाकरा है, जिसमें आज हम सबहा से मुताल्लिक और हलाल जानवर के न खाए जा सकने वाले अज्जा के बारे में मालूमात सुनेंगे भी और बाज देखेंगे भी इंशाअल्लाह. फिलहाल सवालात का सिलसिला होगा और बकरा जबहा किया जाएगा और उसके हम कुछ अज्जा भी देखेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह जबहा के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह. आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब और वो भी सवाब दे पाऊं ये जरूरी नहीं. मालूम होगा, अर्ज करने की कोशिश करूंगा, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए. मुझे आए बाएं शाय करता अपने मौकिफ पर बिला वजह अड़ता नहीं, बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे. सल्लू अलल हबीब बारगाहे अमीर अहले सुन्नत में अर्ज है कि जिस उन्वान के तहत आज यह मदनी मुजाकरा मुनक्किद किया गया है, इस उन्वान की तरफ के ये इस पर मदनी मुजाकरा हो और इस तरह की मालूमात इस्लामी भाइयों तक फराहम की जाए, इस पर आपकी तवज्जो जो मबजूल हुई, इसके क्या कुछ असबाब हैं? हर काम के पीछे कोई ना कोई सबब तो होता है. अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाहे उम्मत का दर्द अता फरमा दे, तो सबब नहीं असबाब है. तो जहां इस्लाहे उम्मत के बहुत सारे काम करने को जी चाहता है, तो एक शोबा जहर ये भी है. अल्लाह तबारक व तआला जिससे काम ले ले. और इस तरफ मेरी तवज्जो जो है ये आज से नहीं, दावत इस्लामी काम शुरू करने से पहले से मैं इन चीजों को किसी हद तक समझता रहा हूं, पूछ पूछ कर, देख देख कर, फिर बेहिसियां देख देख कर लोगों की. क्योंकि हमें देखा यह गया कि सिर्फ खाना आता है, क्या खा रहे हैं इस पर गौर फरमाना नहीं आता. वो इसको यूं समझिए कि गो शेख जी को वाज फरमाना नहीं आता, हो मुर्ग सालम तो कभी ठुकराना नहीं आता. तो हम लोगों को खाना आता है, ठुकराना नहीं आता. हलाल हराम
जायज नाजायज इसकी कुछ समझ आती नहीं। और बाज ऐसे शोबे हैं इसी मामलात के जिनमें गुनाह है, नाजायज है, हराम है, इन्हें मौलिकात के जिनकी तरफ सच्ची बातें के अहम जिम्मेदारान की भी तवज्जो नहीं होती, जो हमारे मजहबी जिम्मेदारान होते हैं उनकी भी तवज्जो होती नहीं है। बड़ा अजीब व गरीब नफसा नफसी का दौर है। अब मिसाल के तौर पर वही इल्म नियत जैसे आपको बताया गया, अभी एक दौर था कुतुल कुलुब में कि उस दौर में बाकायदा इल्म नियत सीखा जाता था, यह भी एक शोबा इल्म नियत। आज इसका न मशरिक में कहीं अता पता है, न मगरिब में, न शिमाल में, न जुनूब में, यही पता नहीं इल्म नियत क्या होता है। आज रूए जमीन पर उलमाए नियत मौजूद तो होंगे, इनको हम मफकूद नहीं कहते, लेकिन है तो कहां है, इन्हें ब नाम इल्म नियत, ब नाम आलिम नियत। आलिम शरीयत तो बहुत है, हालांकि नियत शरीयत से जुदा नहीं है, पीर तरीकत भी बहुत है, लेकिन आलिम नियत की जियारत मैंने अभी तक नहीं की कि वो कहां होते हैं, कहां पाए जाते हैं, जिस इल्म का तस्करा उलमा कर चुके हैं। और ये ऐसा अहम इल्म है इल्म नियत कि इसके बगैर कोई अमल दुरुस्त होता ही नहीं है। इसी नियत पर सवाब और अजाब का दारो मदार है, और नियत कुछ ना हो तो ना सवाब ना गुना, बस सूरतों में तो इसकी सूरत है। जैसे कि यही है, नमाज अल्लाह की रिजा के लिए सवाब के लिए पढ़ी तो सवाब मिलेगा, और अगर दिखाने के लिए पढ़ी, वरना पढ़ता ही नहीं, वही हरकत है, वही सकरात है, लेकिन अब गुना मिलेगा। अला हदल कियास, इसी तरह कियास हर अमल को आप कर सकते हैं। तो जो इबादत मकसूदा है वो बगैर नियत के होती ही नहीं है, नमाज है, रोजा है, जकात है, हज है, में नियत जरूरी है। वैसे रकम उठाकर दे दी तो जकात की नियत नहीं है, और उसके पास से वो रकम हलाक हो चुकी जिसको दी थी, अब नियत का महल भी फोत हो गया, तो नियत की नहीं तो जकात तो अदा नहीं होगी, सवाब ही नहीं मिलेगा, ना फर्ज अदा होगा जकात का, रकम गई आपकी दरिया में बह गई, दरिया में बह जाती तब भी सवाब मिलता सदमे का कि साहब आपकी हमें रकम इस तरह जाये हुए, ये रकम हमारी हमाकत से जाये हुई, हमको नियत का पता ही नहीं था, नियत की ही नहीं हम तो गई हो, तो गुना भी नहीं मिलेगा तो, मगर फर्ज जिम्मे बाकी रहेगा। और अगर किसी और फासिद नियत के साथ दी होगी तो गुना भी मिलेगा। तो इसी तरह ये खाने के मामले में मैंने देखा, गोश्त के मामले में देखा, और बहुत सारी चीजों में मैंने देखा कि पत्ता ना अवाम को है, खवास को हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल मेरा वास्ता पड़ा तो अक्सरियत को मैंने देखा कि इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, मालूमात नहीं, बस वो खा लेना है। तो एक तो खाने पीने के जो बातिनी आदाब है वो तो अपने समझे, वो तो इन पर अमल करने वाले मजारों में चले गए या कहीं गारों में छुपे हुए होंगे, अब तो शुबुहात से बचने का दौर जा चुका। अल्लाह फरमाते कि जो हराम सामने नजर आ रहा है, खुला हराम, उससे बच जाए तो बड़ी बात है, शुबुहात से बचना अब इस दौर में ऐसा लगता मुमकिन ना रहा। लेकिन हराम से बचने का जहन भी तकरीबन 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 अब जाता रहा, बहुत कम रह गया। अब ऐसे लोग अगरचे हैं जानने वाले तो वो या तो अवाम को बताते नहीं है, या बता नहीं पाते, या कोई और मसले थे, अवाम उन्नास को इन चीजों की कुछ पता नहीं है। अवाम की मालूमात दीनी का हाल यह है कि मैंने ये पूछकर देखा है कि रमजान मुबारक के रोजे कौन से इस्लामी महीने में फर्ज होते हैं, तो ऐसे मुसलमान देखे जिनको पता नहीं होता कि रमजान मुबारक के रोजे कौन से इस्लामी महीने में फर्ज होते हैं, ईद कौन से इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को आती है, मीठी ईद,
बकरीद, इस तरह के सवालात के जवाब भी ना देने वाले मैंने दाढ़ियों वाले मुसलमान देखे, इमामों वाले मुसलमान देखे, जिनको ये पता नहीं होता। तो ये हालत है मालूमात की। हराम अज्जा के बारे में भी मैंने अहले इल्म हजरात को बाज औकात वो दिखा कर पूछा कि ये क्या और इसका हुक्म क्या है। मुझे पता होता है कि हराम है, लेकिन जब अपने ऐसी तरकीब होती है कि पूछने में हर्ज नहीं होता, बाज औकात नहीं बता पाते। तब जब पता नहीं है तो खाना बिल्कुल, यानी कि इसका मुमकिन है वो खा जाते होंगे ला इल्मी की वजह से।